ऑस्ट्रेलिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप कंट्री छोड़ के चले जाओ। इकोनॉमी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करने में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अचानक उनको भेजने की बात कहां से आ गई? रियलिटी क्या है, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त क्या हो रहा है, उसके लिए देखिए आज की वीडियो। चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की वीडियो। और नॉर्मली हम करते हैं जी एजुकेशनल व्लॉग्स, पोएट्री एंड ट्रैप। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे इंडिया में, इवन यहां पे हमें हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने ये कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चले जाएं वापस अपनी कंट्री में। ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफी डाउन जाने वाली है, वो सबको पता है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारे काम इस वक्त होल्ड पे है, मतलब रुके हुए हैं। कब तक रुके हैं कोई नहीं कह सकता, कब इकोनॉमी ठीक होगी कोई नहीं कह सकता। हर कंट्री को अपनी इकोनॉमी की चिंता है और उसके साथ साथ अपने लोगों की लाइफ की चिंता है, ये सबको है। यूएस को भी है, कनाडा को भी है और दूसरी कंट्रीज जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट ज्यादा है, उन यूके वगैरह हर कंट्री में है, ठीक है जी। सो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि यार जितने भी विजिटर्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी फाइनेंशियली हेल्प अगले 6 मंथ तक नहीं कर सकते तो वो कंट्री छोड़ के चले जाए। उनके कहने का मतलब है कि बॉस हमसे कोई मदद मत मांगना, एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने अपने इस बात से ना बिल्कुल इनकार कर दिया है और इस चीज को लेके जो एजुकेशन इंडस्ट्री के जितने भी इस इंडस्ट्री में लोग हैं, चाहे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने इस चीज का ऑपोजिशन किया है। बट यार ये कहां तक सही है कहां तक गलत, ये इस चीज में तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दो ऐसी कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। तो देखा जाए अगर एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि यार अगर आपके पास नहीं है फाइनेंशियल कैपेसिटी अगले 6 महीने तक अपने आप को अफोर्ड करने की, अपने आप को कैपिटल इतनी नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी कंट्री चले जाओ, इस वक्त हमें आपकी ज्यादा जरूरत नहीं है। बट देखा जाए तो ये एक सेल्फिश मूव है, वो इसलिए क्योंकि जब उनको इकोनॉमी बूस्ट करनी होती है तब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जब उनको जरूरत नहीं होती तब इंटरनेशनल स्टूडेंट चले जाए। पर यार ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जो बंदा जिस कंट्री में चला जाता है उसकी बॉन्डिंग उस कंट्री के साथ होती है। माना कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उस वक्त उस कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट ना हो सकता सिटीजन ना हो, भैया कंट्री में रहते हैं और उस कंट्री के साथ प्यार होता है, उसके लोगों के साथ आपका घर होता है, आपका यू हैव फ्रेंड सर्कल, यू हैव अ सिस्टम, एक नेटवर्क होता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको बोल दें कि बैग उठा के चले जाओ, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। कॉन्ट्रेरी टू दैट, दूसरी तरफ इस बात को लेके आई फील रियली ग्रेटफुल कि मैं यार कनाडा में हूं, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त जो कनाडा में हैं वो इस वक्त इस चीज को लेके आई एम श्योर उनको प्राउड फील हो रहा होगा अपने डिसीजन के ऊपर कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हर एक स्टूडेंट जिन्होंने भी पिछले साल सिम पे अप टू $5,000 का काम किया है, एवरीवन इज एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि ये परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन को ही ज्यादातर दी जाती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर और जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं उन सबको ये चीज दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो हमने हाल ही में एक पूरी वीडियो डिटेल में बनाई है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप $2,000 पर मंथ अगले 4 मंथ तक क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से अगर आप कोरोना वायरस की वजह से काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक अच्छा मूव है जस्टिन ट्रूडो का एंड विच शुड बी अप्रिशिएटेड। आई एम नॉट सेइंग कि यार कोई कंट्री अच्छी है या बुरी है, बट आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपने आने का सोचना है कि कनाडा पढ़ने जाना है या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, तो ये एक स्टेप आपकी हेल्प कर सकता है ये जानने में कि वहां की गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके एज कंपेयर टू कनाडा की गवर्नमेंट। हाँ ये बात सच है कि कनाडा का वीजा मिलना इतना 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 आसान नहीं होता, बट ये जरूर है कि यार
वैल्यू जरूर है। अगर आप कभी पढ़ने आने का सोच रहे हो ना कनाडा, तो कोई बात नहीं यार, अगर आपके बैंड एक बार नहीं आते या यू नो एक बार सिक्स स्कोर नहीं होता ओवरऑल या कोई भी रीजन हो, डू नॉट थिंक ऑफ चेंजिंग द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो डोंट गिव अप, हार मत मानना करो बॉस, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहोगे यू विल डेफिनेटली गो थ्रू, राइट। अगर आपके किसी में 5.5 भी हैं तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी होती हैं कि आप मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस ले सकते हो, वो 5.5 बैंड्स भी एक्सेप्ट करते हैं, राइट। और उसके साथ इवन इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल इफ यू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, इट्स आइसिंग ऑन द केक, वो और भी अच्छा है, क्योंकि उसका फिर आपकी हेल्प हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग फाइल बन जाती है आपकी कि हाँ यार आपको गवर्नमेंट कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया है, सो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज आपके लिए हो जाती है। बाकी यार ये सच है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि कब तक यार यू नो जो कैनेडा में रिस्ट्रिक्शन है इस वक्त, लॉकडाउन है, वो कब तक रिमूव होगा या कब तक नॉर्मल यू नो चीजें हो जाएंगी। तो ये अभी तक फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक जो लास्ट मैंडेट था क्यूबेक गवर्नमेंट का और कैनेडा गवर्नमेंट का, वो यही था कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस विल बी शट डाउन टिल 1st of May। बट हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस वक्त वर्चुअली ऑपरेट कर रही हैं, दैट मींस दे आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन, व्हाट यू कॉल। जैसे ही चीजें नॉर्मल होगी, ऑल द कैंपसेस विल बी ओपन। और आई नो कि इंडिया में इस वक्त पूरी तरह लॉकडाउन है, तो आप कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, पर हाँ, अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो और किसी कॉलेज में एडमिशन अगर आपने लेनी है, तो उसके लिए आप स्टेप्स ले सकते हो। यू नो आप घर पे बैठे ही अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपको चाहिए, तो उस हमारी इस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक को आप फिलअप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको विद इन 48 आवर्स कॉन्टैक्ट कर लेगी अपने किसी भी कॉलेज में अगर ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है। उसके साथ हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं। आज बहुत सारी हमारे पास ये भी कॉल्स आ रही थी कि यार जो $2,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल रहा है, कि वो क्लेम कैसे कर सकते हैं, या फिर उसमें CRA अकाउंट जो बनना है वो कैसे बनना है। तो आने वाले टाइम में हम CRA अकाउंट पर भी वीडियो बना देंगे। और अगर आप यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो, तो हमारी किसी भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट प्रोग्राम्स, अपॉर्चुनिटीज जो कनाडा में स्टडीज के रिलेटेड है। सो यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये जो कंपैरिजन है कि यार यू नो आई होप दैट इज गोना हेल्प यू टू चूज द राइट कंट्री, अगर आपने स्टडी करने के लिए अपनी कंट्री से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री में जाना, इट्स गोना हेल्प यू आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और कॉमेंट करके बताइए आपका क्या ख्याल है। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके, हो सकता है आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो इस चीज को लेके, कि आपको लगता है कि नहीं यार जो यू नो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है वो सही कर रही है इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ, वो उस कंट्री को बिलोंग नहीं करते, तो अगर कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है तो वो छोड़ के चले जाएं। तो दूसरी तरफ आप ये भी बता सकते हो कि आपको क्या लगता है जो कनाडा गवर्नमेंट का ये मूव है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, या ये जेन्युइनली सपोर्ट है या इनका कोई पॉलिटिकल फंडा है, आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो और हमारी कोशिश होगी कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाए। सो फिलहाल मैं जॉनी हंस लेता हूं इजाजत। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो आज की, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और सो एंड सो फोर्थ। और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। नेटा विच गड्डे ने सीधी साड़ी सोचिया ते पदरे ने रास्ते, देखो सीधी साड़ी सोचिया ते पदरे ने रास्ते, समा नहीं कोल साढ़े गल कदे पुठी दा, केड़े वेले सौई दा ते केड़े वेले उठी दा, बस इसे गल पिछे, बस इसे गल विच दुनिया हैरान, साड़ी तली उत्ते जान, साड़ी वक्खरी पछाण, साड़ी सानू जी कनेडा चे ट्रकां वाले कहिंदे ने, कदे इह अड़ गए ते कदे इह खड़ गए, कदे इह दानी तामी दूर रहना पैंदा है, कुछ पाउण लई विछोड़ा भी सहना पैंदा है, थक के बह जांदे जिहड़े ओह खतम हो जांदे, थक के बह जांदे जिहड़े ओह खत्म हो जांदे, चलदे रहण वाले जित दे अखीर कहिंदे ने, मैनू कहण वाले सज्जणा तकदीर कहिंदे ने, ते मैनू कहण वाले फिर भी तकदीर तकदीर कहिंदे ने।